प्रभुपाद बोल रहे हैं हर हर पल हमको नव वर्ष का अनुभव होगा जब उत्साह होगा, जब कृष्ण भावना भवित होंगे, वरना यही है 31 दिसंबर का वेट करो, बुकिंग कराओ, खूब सारे होटल्स बुक करो, पैसे खर्च करो और बाद में नशे में दूसरे दिन। अगर तुम इसको नववर्ष मानते भी हो, हम कहते हैं अगर नववर्ष मानते भी हो तो सुबह प्रातकालीन 4:30 बजे उठो, मंगल आरती आओ, भगवान के नाम का भजन करो, वो तो नहीं करेंगे, सोकर उठेंगे 11 बजे। सोलो अगर तुम्हारा नववर्ष है भी तो क्या काम किया तुमने, फायदा क्या हुआ? तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैंने ना रिजोल्यूशंस लिए हैं, कुछ संकल्प लिए हैं, हम इनके अंदर परिवर्तन लेके आएंगे अपने जीवन में। तो मैं सोच रहा था कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं परिवर्तन लाने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को। तो आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करें अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं इस वर्ष 2021 में? ओह सब लाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम 3 चीजों की चर्चा करेंगे, इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। पहला पॉइंट है जिसे कहते हैं ऑब्जर्व, अवलोकन। शास्त्र कहते हैं अवलोकन करना। परिवर्तन कब आएगा? जब आपको पता होगा ना प्रॉब्लम कहां पर है। बोले इस साल घर के बल्ब बदल डालूंगा, तो पता तो कौन कौन से खराब है, नया वाला उतार दिया तो लड़ाई हो जाएगी घर में। बोले अभी तो लगाया था 31 दिसंबर को CFL उतार दिया आपने, तो पहले पता होना चाहिए खराब कौन कौन से हैं। तो इसको कहते हैं अवलोकन करना। तो प्रथम हमारा पॉइंट क्या हुआ, अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करो? मेरी बुरी आदतें कौन सी हैं। लिखेंगे आप लोग क्या करेंगे? पहला पॉइंट पूछूंगा बाद में आपसे, अवलोकन करेंगे। ये भागवतम सोने के लिए नहीं है कई लोग सोचते सोएंगे आराम से, अवलोकन करना है, अवलोकन, ऑब्जर्व अपनी बैड हैबिट्स को, अपनी ही बुरी आदतों का अवलोकन करना है कि मैं ध्यान से जप नहीं कर पाता हूं, भागवत कक्षा में मुझे नींद बहुत आती है, प्रसाद को देखकर मुझसे रुखा नहीं जाता, एकादशी के दिन जो है मैं 10वीं से ही चिंतित हो जाता हूं तो ये अवलोकन करना है हमको, पॉइंट्स लिखने हैं, पेपर पे काम करना पड़ेगा। और बताते हैं दूसरा पॉइंट है ध्यान, मेडिटेशन। तब ध्यान लगाना है कि अब मुझे इन चीजों में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या करना है? तो ध्यान लगाएंगे कि मुझे अपने जप को सुधारना है तो भक्तों के संग जाके करूंगा तो कोई उठाने वाला होगा। मेरी आदत है कि मुझे नींद बहुत आती है तो मैं जो हूँ नींद के समय पर वॉक करने चला जाऊंगा। आप सोते सोते चलते चलते तो नहीं सो सकता, मैं गिर जाऊंगा, पता चला चलते चलते सो रहा धड़ाम से गिर गया तो लिखना, उसको सोचना पड़ेगा इस टाइम पर नींद जब आती तो मैं वॉक करने चला जाऊंगा। तो ऐसी कुछ उसको संकल्प लिख करके प्लान करने चाहिए और इसको तकरीबन 1 महीने या 2 महीने ऑब्जर्व करके इस पर ध्यान लगा के शेड्यूल बनाना चाहिए कि मैं 4 बजे उठने के लिए मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर गीता पढ़नी है मुझे, प्रभु जी गीता पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, अरे प्रॉब्लम है आप पढ़ना ही नहीं चाहते, बोलते पढ़ना चाहते पढ़ नहीं पाते, हो ही नहीं सकता। जो आप चाहते हैं, आप सोचो कि आपको बर्गर खाना है तो खा पाते हो ना, वो कैसे अचीवमेंट हो जाता है? उसके लिए दिमाग चलता है कहाँ जाऊँगा, कहाँ से पैसे लूंगा, सब खा ले। बाहर का बंद हो जाए तो गोविंदा में बोलेंगे माता जी बना दीजिए, प्रभु जी बना दीजिए। तो कहीं ना कहीं से ये इनके इन प्रकारेण हम अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो भगवान की भक्ति करनी है तो प्लान करो कि गीता पढ़नी है तो 2 श्लोक रोज पढ़ेंगे, 365 दिन है तो 31 दिसंबर जब आएगा उससे पहले गीता कंप्लीट, 2 श्लोक रोज पढ़ने। ये अवलोकन किया, लिख लिया, शेड्यूल बना लिया, अब इस पर क्या करना है, अमल करना है। तीसरा पॉइंट है अमल करना, इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शास्त्र ने कहा परिपालनम। तो पहला अवलोकनम, ध्यान, परिपालन। तो कहते हैं अगर आपने 21 दिन भी उस नियम का पालन कर लिया, 21 दिन भी, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो व्यक्ति के अंदर वो उसके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। ब्रश करने के लिए प्लान बनाना पड़ता है, बोले अब 1 महीना सोचूंगा दांत गंदे रहते हैं, अवलोकन करूंगा, लोग कहते हैं तुम्हारे मुंह से बदबू बहुत आती है, फिर अवलोकन करने का ध्यान लगाऊंगा कौन सा कोलगेट लगाऊं, कौन सा दंत कांति लगाऊं, और फिर अब मैं 21 दिन ब्रश करूंगा तब आदत पड़ेगी, ऐसे नहीं करना ना, ये आदत पड़ चुकी है। स्नान करना, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौर निताई की, तो अवलोकन
अवलोकन नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए, क्योंकि ये नित्य प्रतिदिन की क्रिया बन गई है। अब जो मंदिर में भक्त जुड़ जाते हैं, आप में से कितने भक्त हैं जो 5 साल से अधिक जुड़े हुए हैं मंदिर से, यहां पर जो बैठे हैं बहुत कम है, 5 साल वाले सब घर पे हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि अब नित्य बन गया है नियम भगवान की कथा सुनना, गीता पढ़ना, आप कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है। प्रभु जी करना पड़ता है फोर्स, नहीं मिले तो क्या होता है, इरिटेशन होता है। जैसे भूखे व्यक्ति को खाना ना मिले तो तड़पता है, ऐसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कथा ना सुनने को मिले, शास्त्र ना पढ़ने को मिले, उसको इरिटेशन हो जाती, बोले आज पूरा दिन बेकार हो गया। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप बताइए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। हनुमान जी बोल रहे हैं जो आप लोगों के पूजनीय जाते हैं मंदिर में, वो कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, जिस दिन सुमिरन भजन नहीं होता ये सबसे बड़ी विपत्ति है। लेकिन हम लोग ऐसा मानते नहीं, हमें तो विपत्ति लगती है सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन पॉकेट में लक्ष्मी न होई। अरे प्रभु जी पैसा कम है, बहुत कम है, कमाना है, इस साल का नया साल का हमने प्लानिंग किया है, इस बार एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में एक नोएडा में बनानी बनानी, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन करना। ये ऐसे मैं तो मिलता हूँ, दुखी हो जाता हूँ लोगों की बातें सुनकर के कि कल का भरोसा नहीं है, प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.